चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है माइक्रोवेव हथियार। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं, इनकी उपलब्धता किन किन देशों में है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि 29 अगस्त को चीन के जवानों ने यहाँ की ऊंची चोटियों को भारतीय जवानों से वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया था। इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी और वो चोटियों से चले गए, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने उन पर कब्जा जमा लिया। भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। चीन इस तरह के हथियारों का कथित तौर पर दक्षिण चीन सागर में इस्तेमाल करता रहा है। माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं। माइक्रोवेव हथियार को डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहा जाता है। इसके दायरे में लेजर और माइक्रोवेव वेपन दोनों ही आते हैं। ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप होती हैं। इनकी वेवलेंथ 1 मिमी से लेकर 1 मीटर जितनी होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इन हथियारों को जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के हमले में एक हाई एनर्जी रेंज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में प्रविष्ट कर उसके शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है। माइक्रोवेव वेपन के जरिए निकलने वाली रेडिएशन बीम में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं होती है, इसको देख पाना भी संभव नहीं होता है। माइक्रोवेव वेपन के अंदर पार्टिकल बीम वेपन, प्लाज्मा वेपन, सोनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस भी आते हैं। माइक्रोवेव हथियार दो तरह से काम करता है। पहला, जिसमें किसी एक ही व्यक्ति को टारगेट किया जाता है और दूसरा, जिसमें भीड़ को टारगेट किया जाता है। माइक्रोवेव हथियार का हमला होने पर शरीर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मानव शरीर के लिए 36.1 डिग्री से 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को सामान्य माना जाता है। इसके हमले के प्रभाव क्या होते हैं। इसके हमले से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उल्टी आने लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है और खड़े रहते भी नहीं बनता, नाक से खून निकलने लगता है, सिर दर्द होता है, शरीर कांपने लगता है। इन हथियारों की उपलब्धता किन किन देशों में है। अमेरिका के पास इस तरह के वेपन में एक्टिव डिनाइल सिस्टम है, जिसको यूएस एयर फोर्स ने विकसित किया है। इसको अक्सर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त विजिलेंट आई के नाम से भी एक प्रपोज्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी तरह के हवाई हमले को नाकाम करने की तकनीक विकसित की जा रही है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में चीन ने एयर शो में पॉली WB1 डिस्प्ले किया था। 2017 में पॉपुलर साइंस ने बताया कि चीन ऐसे माइक्रोवेव हथियारों पर काम कर रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर मिसाइलों या दूसरी मशीनरी को बेकार कर सकते हैं। चीन के अलावा भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम, ईरान और तुर्की भी ऐसे हथियारों पर काम कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोवेव हथियार समाचारों में है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इन हथियारों को जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। कथन दो, इन हथियारों में हाई एनर्जी रेंज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में प्रविष्ट कर उनके शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कथन तीन, इनसे निकलने वाली रेडिएशन बीम में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं होती है। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो दोनों, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी
सभी कथन सत्य है। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।